प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, उसमें का हम कर रहे हैं 14th पार्ट। इससे पहले 13 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप जरूर देखिएगा, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार 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 कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप करेंगे तो यू गेट टू नो कि लेवल ऑफ द क्वेश्चंस क्या है और बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएंगे क्वेश्चंस। There are some of the areas of the two squares. Some of areas of two squares is 640 meter square if the difference of their perimeter is 64 meter. Find the sides of the two squares. देखो भाई, दो स्क्वेयर्स बना लीजिए आप। एक स्क्वेयर ये हो गया एंड द सेकेंड स्क्वेयर इज दिस वन, ठीक है। अब ये कह रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वेयर, तो अगर इसकी साइड ए है और इसकी साइड बी है तो ए का एरिया क्या होगा, ए स्क्वेयर, बी का एरिया क्या होगा, बी स्क्वेयर, बी वाले का। तो कह रहा है इनका जो स्क्वेयर्स का एरिया है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर करेंगे तो वो कितना आएगा, 640। एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर, इसका पैरीमीटर 4 है, इसका पैरीमीटर 4b, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 64। तो आप लिखेंगे 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 64, है ना। अब इसमें जरा a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 4 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a माइनस b इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। a माइनस b 64 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। तो यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका, बी को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 4, सॉरी 16 प्लस बी, यही है ना, बी इधर आएगा तो 16 प्लस बी ही होगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो हम ए की जगह लिखेंगे 16 प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इजक्वल्स टू 640। सोल्व कीजिए, 16 का स्क्वेयर क्या होता है भाई, 256, प्लस बी स्क्वेयर, और 16 2 जा 32 बी, प्लस में बी स्क्वेयर इजक्वल्स टू 640, यही होगा। बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कितना बार बी स्क्वेयर हो जाएगा, 2 बी स्क्वेयर हो जाएगा, और ये क्या है, 32 बी। 640 को इधर लाइए, इसमें से माइनस कीजिए, 640 माइनस 256, 10 में 6 जाए 4, 13 में से 5 जाए 8, और 5 2 3, 384। माइनस में ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस में 384 इज इक्वल्स टू 0। आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, यू कैन टेक 2 कॉमन, ये आ जाएगा 20 स्क्वेयर, यहाँ पर आ जाएगा 16 बी, और 2 कॉमन निकाल, 2 एकम 2, 2 9 18, और 2 7 14, 2 1 जा 2 9 जा 18, एंड 2 2 जा 14 आएगा, ये आएगा ना 192। अब आपके पास ये आ गया, अब इसमें से कॉमन निकालिए, कॉमन तो निकल गया, अब आपके पास केवल बच गया 20 स्क्वेयर, 16 बी, और -192। अब दो नंबर ऐसे सोचने हैं जो आपको क्या ला दे, कॉमन ला दे, दो नंबर ऐसे सोचने हैं जो मल्टीप्लीकेशन में क्या दे दे, माइनस का 192 और ऐड में क्या दे दे, 16। तो कौन कौन से नंबर उसके लास्ट में 2 लाएगा, तो दो नंबर होंगे आपके 24 और 8, जरा देखिए 14 में 6 जाए 8 आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, 16, है ना। तो 24 और 8 ले लीजिए तो ये आ जाएगा 20 स्क्वेयर, 24 प्लस का ही रहेगा, माइनस में 8b नेगेटिव, माइनस में 192 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी, बी प्लस में 24, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, अंदर आ जाएगा बी, माइनस बाहर गया तो प्लस, 8 दूना 16, और 8 चौके 32 इजक्वल्स टू 0। तो बी प्लस में 24 0 होगा, या बी माइनस में 8 क्या होगा, 0। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8, और दूसरे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। तो इसको आप कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है ना। तो इस बी की वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, जरा इस बी की यहाँ पे रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 16 प्लस बी है ना,
तो 16 प्लस बी में 8 जोड़ दीजिए, तो ये क्या जाएगा 24, यही आएगा। तो बी कितना आ जाएगा आपका 24। सो एक का आपका ए आया है, ए आपका आ जाएगा 24 और बी क्या आ जाएगा 8। 8 आया कि 16 आया? 8 आया, 8। बी क्या आ जाएगा आपका 8, मतलब ये साइड 8 आ जाएगी और ये कितना आ जाएगी 24। बहुत आसान, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए समझ के। ठीक है, टेक केयर।